सिटी के घर में श्रमिता शेट्टी और राकेश बापट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के तौर पर उभर कर आए थे। लोगों को लगने लगा था कि श्रमिता शेट्टी और राकेश बापट अच्छे कपल बन सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर श्रमिता शेट्टी और राकेश बापट की शादी की बातें भी होने लगी। शो खत्म होते होते लोगों को इस बात पर यकीन हो गया कि श्रमिता शेट्टी और राकेश बापट ने गेम में बने रहने के लिए प्यार का दिखावा किया था। बिग बॉस ओटीटी के फिनाले के बाद से ही फैंस श्रमिता और राकेश की जोड़ी को फेक बता रहे हैं। इसी बीच राकेश बापट ने श्रमिता शेट्टी और अपने रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इसके साथ ही राकेश बापट ने अपने और श्रमिता शेट्टी के रिश्ते को फेक बताने वालों की भी बोलती बंद कर दी। अपने एक इंटरव्यू में राकेश बापट ने कहा है, मैंने श्रमिता शेट्टी से इस बारे में बात की थी। बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद से ही हम दोनों टच में हैं। मैंने श्रमिता से वादा किया है कि हम बाहर जरूर मिलेंगे। बिग बॉस का घर किसी इंसान को समझने के लिए काफी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने बिग बॉस ओटीटी के घर में देखा वो फेक नहीं था। मैं किसी भी काम को करने का दिखावा नहीं कर सकता। श्रमिता एक अच्छी लड़की है और मैं उसे और जानना चाहता हूँ। अब आके ये देखना दिलचस्प होगा कि हम दोनों आगे क्या करेंगे, हमारा आगे क्या होगा। राकेश ने आगे कहा, श्रमिता शेट्टी अपनी आवाज उठाने से जरा भी नहीं डरती। वही मैं थोड़ा शांत किस्म का इंसान हूँ, मुझे चुप रहना पसंद है। हम दोनों में बस इतना ही अंतर है। किसी रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कौन कितना गुस्सा करता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सामने वाला आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। आपको क्या लगता है कि राकेश बापट और श्रमिता शेट्टी का ये जो कनेक्शन है ये रियल में फेक है या फिर रियलिटी में रियल है? आपका जो भी विचार हो हमसे साझा कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। और बाकी ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।